हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र गर्ग फ्रॉम बेस्ट सर्विसेज दिल्ली। आज आपके लिए लाया हूँ फोटो को कस्टमाइज्ड किस तरीके से किया जाता है, इसके ऊपर लेमिनेशन किस तरीके से की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेमिनेशन कौन सी होती हैं, और इसको बैक स्किन, मोबाइल की बैक स्किन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने, आप देखेंगे, एक प्रिंट आउट निकाला हुआ है। कस्टमाइज फोटो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने अपनी फोटो निकाली हुई है, जिसको मोबाइल की बैक पे हम लगाएंगे, या कोई भी आप डिजाइन जैसे कुछ भी आप चाहें वो निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कस्टमर को जो भी चाहिए उसको कस्टमाइज कराना है कोई भी, या कोई सीनरी आप चाहें, या कोई भी फ्लावर्स आप चाहें, और भी बहुत सारे डिजाइन यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनमें से कोई भी डिजाइन आप कस्टमाइज कर सकते हैं, खुद अपने प्रिंटर से निकाल सकते हैं। ये आप देखेंगे कितना प्यारा लग रहा है। अभी इस पे लेमिनेशन नहीं हुई है, लेमिनेशन का ये मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेपर है, स्पेशल पेपर है, और पीछे से एक गम होता है, ग्लू होता है इसके ऊपर, ताकि इसको मोबाइल पे हम चिपका सकें। तो इस तरीके से प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। ये जो प्रिंट आउट निकलता है ये निकलेगा आपका इंकजेट से, इंकजेट मीडिया इसको कहते हैं, थिन वाला और थिक, दो तीन क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटी आती है, मैट में आता है, ग्लॉसी आता है, काफी सारी क्वालिटियां इसमें आती हैं। तो जो बेस्ट क्वालिटी है वो हमारे पास आपको अवेलेबल है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आती है फोटो पेपर विद ग्लू आप बाय कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम इसको प्रिंट आउट निकालेंगे, और सिंपली जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं 2,500 रुपए से शुरू हो जाते हैं, उस इंकजेट प्रिंटर से इजीली आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद प्रिंट आउट निकालने के बाद सेकंड काम होता है इस पे लेमिनेशन कैसे की जाए। तो लेमिनेशन की अगर बात करें, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेमिनेशन होती है। यहाँ पे तो आपको बिल्कुल प्लेन लेमिनेशन नजर आ रही होगी, हमने यहाँ पे कुछ लेमिनेशन कर रखी है, मैं आपको थोड़ा सा फर्क दिखाता हूँ। एक आप देखेंगे ये बिल्कुल चमकीली टाइप से आपकी चमक रही है लेमिनेशन, इस तरीके की लेमिनेशन हो गई। एक 3D लेमिनेशन हो गई, जैसे आप ये देखेंगे 3D हो गई, और एक प्लेन में हो गई, मैट हो गई। तो चार पांच तरीके की अलग अलग लेमिनेशन शीट्स होती हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से बाय भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आपको अब इसको लेमिनेट करके दिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी मशीन की सहायता से हम इसको लेमिनेट करके दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे पास लेमिनेट शीट है, ये देखिए हमारे पास ये है स्पार्कल लेमिनेशन शीट है, ये ले लेंगे हम, इसको अभी दूर रखेंगे। इस तरीके से होती है, इसके पीछे गम होता है लेमिनेशन शीट के। ये जो लेमिनेशन शीट्स आती है दो टाइप की आती हैं, एक हॉट लेमिनेशन, एक कोल्ड लेमिनेशन। ये जो है कोल्ड लेमिनेशन है, कोल्ड लेमिनेशन आप हाथ से कर सकते हो, हॉट लेमिनेशन सिर्फ और सिर्फ मशीन के द्वारा की जाती है। तो ये लेमिनेशन शीट हमने ले ली, इस तरीके से हमने इसको खोल लिया, और थोड़ा सा इस तरीके से हम दबा देंगे। ध्यान रखिएगा लेमिनेशन शीट पे हाथ ना लगे, सिर्फ पीछे का जो वेस्ट पेपर है, रिलीफ पेपर है, इसी पे हाथ लगे। ये हमने इस तरीके से बना लिया, अब इसको उल्टा कर देंगे और किसी भी टेबल वगैरह पे कोने पे ऐसे चिपका देंगे। हमने जो चिपकाना है सिर्फ इतना सा हिस्सा चिपकाना है, बाकी पे अभी रिलीफ पेपर रिलीज नहीं किया है। उसके बाद जो हमारे पास ये फोटो प्रिंट की हुई है, इसको लगाएंगे यहाँ पे, देखिए इस तरीके से हम लगा देंगे। ये हमने रख दिया, और इधर की तरफ से हम हल्का सा प्रेस करेंगे, और ये देखिए हमने यहाँ पे पेपर रख दिया, और इस तरीके से यहाँ से हम हल्का सा ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे। ये देखिए हमने प्रेस कर दिया, और ये देखिए ये हमारे पास स्कूजी है, इस स्कूजी की मदद से इस तरीके से स्कूजी पकड़ेंगे यहाँ पे। अभी हम इसको सूजी को धीरे धीरे आगे करेंगे, और यहाँ से इस रिलीज पेपर को हल्का सा उठाते रहेंगे, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ से आप देखिए किस तरीके से चल रहा है, आगे रिलीज पेपर हटता जा रहा है और पीछे स्कूजी चलती जा रही है। किसी मशीन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप ये देखेंगे प्रॉपर लेमिनेशन हो चुकी है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये स्पार्कल लेमिनेशन है। अब मैं आपको दूसरी 3D लेमिनेशन करके दिखाता हूँ, बहुत ही ईजी है लेमिनेट करना। ये हमारे पास 3D लेमिनेशन है, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। ये उतार लेंगे, रिलीज पेपर को थोड़ा सा मोड़ देंगे इस तरीके से। जो टेबल का कॉर्नर है, जैसे भी टेबल पे आप बैठे हैं उस पर ये चिपका दें। ये हमने दूसरी फोटो ले ली, इसी तरीके से हमने लगा दिया, और हल्का सा रिलीज पेपर को खींचा
इधर हल्का सा हाथ से हमने ऐसे चिपका दिया, बहुत इजी है आप देखेंगे स्क्यूजीली। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे हम रिलीफ पेपर को ऊपर करेंगे वैसे वैसे स्कूजी को आगे करेंगे। देखिए हल्का सा रिलीफ पेपर ऊपर और स्कूजी धीरे धीरे आगे। लैमिनेशन कंप्लीट। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है कैट आई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम शुरू होता है, हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, अलग अलग कटिंग भी करके रख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको CO2 मशीन के थ्रू काट भी सकते हैं या प्लॉटर मशीन के थ्रू भी हम इसको काट सकते हैं। तो चलिए हम इसको काट के दिखाते हैं। ये हमारी CO2 मशीन है, इसमें हम काटेंगे Redmi 9i का बैक स्किन। यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया है और यह कंप्यूटर में आप देखेंगे हमने मॉडल सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, और जस्ट हम आउटपुट का बटन दबाएंगे कट करने का और यहाँ पे कटिंग स्टार्ट हो गई है। और ये हमारे पास कट के आ गया है, अब हम इसको लगाएंगे। तो चलिए अब इसको लगाते हैं। अब हमने यहाँ पे एक ब्लैक मैट ले लिया, सॉफ्ट मैट होता है ये, इसके ऊपर फोन को रख दिया इस तरीके से उल्टा, और इसका जो ग्लू है बैक साइड का ग्लू वो हम निकाल देंगे जो उसका रिलीज पेपर है। टाइम लगता है, ये रिलीज पेपर हमने निकाल दिया, ये साइड में ग्लू लगा हुआ है, अब हम इसके ऊपर चिपका देंगे। बहुत इजी है इसको चिपकाना, ये आप देखेंगे हमने इसके ऊपर चिपका दिया और ये आपकी बैक स्किन रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना इजीली आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सामान क्या क्या चाहिए, फर्स्ट सबसे पहले आपको चाहिए एक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर जो 2000-2500 की रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं, उसके अलावा आप ऊपर रेंज का भी ले सकते हैं, कोई भी आप इंकजेट प्रिंटर ले सकते हैं। सेकेंड चीज आपको चाहिएगी इंकजेट मीडिया, जो इंकजेट पे काम करे वाला पेपर जिसपे पीछे ग्लू भी हो ताकि हम उसको इजिली चिपका सकें। उसके बाद हम प्रिंटआउट निकालेंगे, प्रिंटआउट निकालने के बाद जो प्रिंटआउट निकलेगा उसके ऊपर हम लैमिनेशन करेंगे, जो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट जो भी कस्टमर को चाहिए वो हम लैमिनेशन करेंगे। लैमिनेशन करने के बाद हमारा काम होता है कि उसको हम छोटे पार्ट में भी काट सकते हैं इस तरीके से, या अगर इस तरीके से नहीं काटना चाहते तो बड़े पार्ट में भी हम उसको मशीन में लगा सकते हैं, उसको CO2 में लगा सकते हैं, प्लॉटर में लगा सकते हैं, प्लॉटर के थ्रू भी इसकी कटिंग हो सकती है। और कटिंग करने के बाद हमें चाहिए एक मैट जिसके ऊपर हम फोन को रखें, और कटिंग होने के बाद आपने देखा बिल्कुल हाथ से इजीली लग जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और कोई भी चीज़ आप इसमें से परचेज करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, आप मेरी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, या कोई जानकारी चाहें तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहे हैं दिए हुए हैं, आप उन पर भी कॉल कर सकते हैं। तो और आप लेमिनेशन मशीन के बारे में, OCM मशीन के बारे में, जिस बारे में भी आप जानना चाहें तो मुझे कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हम आपके लिए मोबाइल से रिलेटेड न्यू वीडियोस लाते रहते हैं बेस्ट सर्विसेज के चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सायोनारा।